सोलन में सिरमौर के आवास के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन जिला में करोड़ों रुपए के कई उद्घाटन व आधारशिलाएं रखी। इसी कड़ी में देर शाम मुख्यमंत्री ने गर्ल्स स्कूल में 1,14,00,000 रुपए की लागत से निर्मित बहुमंजिला इमारत का उद्घाटन किया। करीब 8 बजे मुख्यमंत्री उद्घाटन स्थल पर पहुंचे, तब तक स्कूली छात्राएं स्कूल परिसर में ही मौजूद रहीं। गौरतलब है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने इस भवन में छात्राओं के लिए शौचालय का प्रबंध नहीं है, जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस और भाजपा के नेता भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास की ओर अग्रसर है और स्कूल व कॉलेज खोलना भी विकास की प्रक्रिया में आता है, जिससे छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि इस भवन में कोई खामी है तो उसे जल्द दूर किया जाएगा। नहीं, ये तो हमारा जो हमारी विकास यात्रा है उसका एक हिस्सा है। कांग्रेस सरकार का मतलब है विकास, और जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ हमने सिवाय विकास के कुछ नहीं किया है। विकास ही हमारा एजेंडा था, है और रहेगा। सब करेंगे। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हमारे संज्ञान में नहीं है, जो लोग बताते हैं और उसके गुण और दोष के आधार पर हम उसको पूरा करते हैं।